नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत। आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल पे, टेक्नोलॉजी पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, खुश हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेके मैं वीडियो लाया हूँ, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर ही है, और एक नए इंडिकेटर के साथ ये वीडियो में लाया हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ इस पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, और शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए हर एक वीडियो के राइट बॉटम कॉर्नर पे सब्सक्राइब के ऑप्शन है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। जस्ट क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपडेट वीडियोस। और अगर आप मेरे बाकी के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी इंट्राडे पे, ऑप्शन ट्रेडिंग पे, स्विंग ट्रेडिंग पे, कैसे स्टॉक पिक करना, ये सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड करके रखे हैं। सारे फ्री है दोस्तों, कोई भी पेड वीडियो नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, पहला तो आपको हेकेन आशी कैंडल स्टिक लेना है, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम लेना है, इंट्राडे पे बता रहा हूँ। और जो इंडिकेटर का यूज़ करना है वो है आपके एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये इंडिकेटर है, इसको दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एक आप नॉर्मल जस्ट डन कर दीजिए, और एक आप विथ यूज़ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ट्रेंड को शो करेगा, ठीक है। तो ये दोनों को लेना है, मतलब आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये एक इंडिकेटर है जो नॉर्मल है, देखिए ये इन लिखा हुआ है, ठीक है, इंडिकेटर का ब्रैकेट में। और एक है दोस्तों, ये है यूज वॉल्यूम वाई जो लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों को यूज करना है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन से आप कैसे ट्रेड लेंगे ये आपको मैं दिखाता हूँ। और आप चाहे तो एक ट्रेंड एनालिसिस के लिए कोई इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई मूविंग एवरेज हो। जैसे मूविंग एवरेज में दिखा देता हूँ, इसका सेटिंग 2000 टाइप एक्सपोनेंशियल, ये मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेंड स्टॉक का ट्रेंड के ही एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, एक मिनट देखिए दोस्तों, जब भी आपके ये जो दो इंडिकेटर है सेम सिग्नल देंगे, मतलब सेम मूवमेंट देंगे, ठीक है, कोई डाइवर्जेंस मूवमेंट नहीं देंगे, तो आप इस पे ट्रेड लीजिएगा। जैसे ये देखिए, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये इंडिकेटर भी कंटिन्यूअसली अपसाइड ऊपर जा रहा है, ठीक है। और आपकी स्टॉक प्राइस भी दिखा रहे, कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। और आपके वॉल्यूम जो है, यूज वॉल्यूम जो है, ये भी आपको देखिए कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल देता है, तो आप यहाँ एक बाई कीजिए, और देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। इस तरह से आप यूज कीजिए। और दोस्तों आपको मैं और दिखाता हूँ कुछ, कोई और डे पे, ठीक है। जैसे अगर आपको कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ये दो इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, 10-16 तारीख को ये देखिए, दोनों इंडिकेटर अप ट्रेंड की मूवमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ एक रेंज बाउंड जोन हुआ, ठीक है। देखिए आपके दोनों इंडिकेटर दिखा रहे फ्लैट लाइन क्रिएट किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए ऊपर, दोनों इंडिकेटर ऊपर जाने की कोशिश करें, आप यहाँ बाय कर लीजिए, ठीक है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस यहाँ से अब स्टॉक पूरा फ्लैट होना शुरू किया। ये लाइन, दोनों लाइन आपको कंटिन्यूअसली दिखा रहे हैं, एक जो नॉर्मल लाइन है और एक वॉल्यूम की लाइन भी है, ये आपको दोनों कंटिन्यूअसली मूवमेंट दिखा रही है कि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर चुका है। अब इसके बाद ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो अगर ऊपर जा रहा है तो ठीक है, और अगर देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों, ये नीचे आया शुरू किया, तब यहाँ पर सेल करके निकल जाइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए ये दोनों इंडिकेटर अपसाइड मूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, और कैंडल भी अप बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जगह में आप बाय कर सकते हैं। जब भी आपके ये दोनों इंडिकेटर सेम सिग्नल दे रहे हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है।
और मैं दिखा देता हूँ कोई डे पे। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों इंडिकेटर, मतलब जो इंडिकेटर है एक वी यूज वॉल्यूम और नॉर्मल, दोनों दिखा रही, देखिए डाउन ट्रेंड मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, एक 45 डिग्री से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और आपकी स्टॉक के मूवमेंट भी डाउन ट्रेंड है, तो आप यहाँ शॉर्ट सेल कर दीजिए। ठीक है, शॉर्ट सेल करके आपको अच्छा खासा पैसा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये लो से ये दोनों ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी स्टॉक भी देखिए आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर जाइए। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा सिग्नल मिलता है दोस्तों बाय और सेल का, जहाँ से आपको पता लग जाता है कि कहाँ पर एग्जिट लेना है, कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ से एग्जिट करना है। ये अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको ये दो इंडिकेटर से मिल जाता है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कोई डे पे, 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये दोनों ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो आप बाई करके इस ये जो नीचे का एकदम कैंडल बना है, इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा सिग्नल देता है ये। अगर दोनों इंडिकेटर कंटिन्यूअसली अप जा रहा है, ठीक है, तो मतलब ये स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, आप इसमें बाय करके चलिए, इसमें शॉर्ट सेल नहीं कीजिए। जब भी ये ऑपोजिट दिखाता है, मतलब दोनों इंडिकेटर अगर डाउन ट्रेंड में जाता है, मतलब आपके नॉर्मल जो प्राइस के इंडिकेटर हैं एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के, वो भी डाउन में आ रहे हैं, और आपके जो यूज़ वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी डाउन आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके स्टॉक प्राइस भी नीचे आएंगे ना। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दो इंडिकेटर का यूज़ करके अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, यहाँ से दोनों इंडिकेटर कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड का दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ शॉर्ट सेल करके ये ऊपर में एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, आप प्रॉफिट अपना बुक कीजिए। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, ये पोर्शन से देखिए स्टॉक अपना, देखिए दोस्तों डाइवर्जेंस में आपको दिखा रहा हूँ, ये पोर्शन में देखिए, ये जगह में एक लो बनाया। ठीक है, ये जगह में एक लो बनाया, प्राइस बोल रहा है कि वो अपना लो को मेंटेन किया, तोड़ा नहीं है, लेकिन आपका ये इंडिकेटर बोल रहा है कि वो लो को तोड़ चुका है। ठीक है, ये देखिए, ये लो ज़्यादा लो पे बनाया, लेकिन आपके प्राइस बोल रहा है कि लो को नहीं तोड़ा है, तो ये एक डाइवर्जेंस है। और देखिए दोस्तों, आपके वॉल्यूम क्या बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है कि वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस आप देखिए क्या हो रहा है, आप ये लो से ये लो का डाइवर्जेंस देखिए, सिर्फ आपके स्टॉक प्राइस बोल रहे हैं कि ये दोनों लो सेम है, लेकिन आपके जो ये नॉर्मल इंडिकेटर है ये शो कर रहा है कि ये अपना लो को तोड़ा है, लेकिन आपके वॉल्यूम के इंडिकेटर बोल रहे हैं कि नहीं, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के डाइवर्जेंस के बाद जो ट्रेंड आते हैं, अगर दोनों सेम ट्रेंड दिखाते, जैसे ये ट्रेंड के बाद देखिए दोनों अपसाइड मूव कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक प्राइस भी अपसाइड मूव कर रहे हैं, तो आप यहाँ बाय कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना अच्छा, आपको देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा, यहाँ देखिए वॉल्यूम का कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम का कितना अच्छा इंक्रीज हुआ है, लेकिन स्टॉक प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितना अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन आपके स्टॉक प्राइस इंक्रीज हुआ है क्या? देखिए ये देखिए, इस जगह पे ये हाई बनाया था आपके स्टॉक प्राइस, आपके वॉल्यूम यहाँ थे। ठीक है, और ये जगह में देखिए दोस्तों, वॉल्यूम इंक्रीज होकर इतना बढ़ चुका है, लेकिन आपके स्टॉक प्राइस हाई नहीं तोड़ा है, लेकिन आपके वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपकी स्टॉक प्राइस प्राइस अपसाइड मूव करे। देखिए दोस्तों, आपकी स्टॉक प्राइस के मूवमेंट्स आपको पता चल जाएगा, देख रहे हैं कितना अच्छा मूव किया है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रेड लेना है, ये दोनों इंडिकेटर का यूज़ करके और हेकेन एशी कैंडल स्टिक को यूज़ करके आप अच्छा खासा ट्रेड इस पे ले सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर होता है हर एक ट्रेडिंग के लिए, नॉट ओनली इंट्राडे ट्रेडिंग, आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए भी अगर कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर ही मैक्सिमम डिपेंड करता है दोस्तों मार्केट। वॉल्यूम जैसे जैसे मूव करेगा, आपके मार्केट के मूवमेंट भी वैसे ही होगा, जैसे मतलब मैक्सिमम
जो लोग हैं जिस जिसका सेंटिमेंट बाइंग की तरफ रहते हैं, अगर मैक्सिमम लोगों के सेंटिमेंट, तो डेफिनेटली स्टॉक के प्राइस अपसाइड ही मूवमेंट करेंगे। और अगर मैक्सिमम लोग सेल करते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक के प्राइस डाउन साइड ही मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों इंडिकेटर का यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बाय और सेल सिग्नल आपको मिल सकता है। लो और टॉप, मतलब एकदम बॉटम और एकदम टॉप के जो सिग्नल होते हैं वो काफ़ी अच्छा इस दोनों इंडिकेटर के यूज़ से मिलेंगे। अब दोनों इंडिकेटर को यूज़ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप पहले पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए, और अगर पेपर ट्रेडिंग से आप अगर खुश होते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आप अप्लाई कीजिए। ये दोनों इंडिकेटर को आप अपने अगर कोई जो स्ट्रेटजी है, जो इंडिकेटर आप फॉलो करते हैं कंटिन्यूअसली, उसको अवॉइड मत कीजिए, उसी के साथ इसको ऐड भी कर लीजिए, आपको और अच्छा हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। जितने भी इंडिकेटर होते हैं, जितने सारे भी स्ट्रेटजीज बनते हैं इंडिकेटर को लेके, मैं सारे एक एक करके आपके सामने लाऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए, और दोस्तों अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।